नमस्कार, जय साईं राम। आप देख रहे हैं चैनल ब्रिज मोहन सूरी। तो आज नया विषय लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ, जो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं आज का नया विषय। अक्षय तृतीया 7 मई 2019, ये वाला उपाय अवश्य कीजिए। नमक का यह टोटका, यह उपाय आपकी ज़िंदगी में बहुत अधिक खुशियां ला सकता है। ये विशेष दिन होते हैं जिनके लिए विशेष उपाय बताने की कोशिश की जाती है, विशेष टोटके बताने की कोशिश की जाती है। तो अक्षय तृतीया के पूरा दिन किसी भी समय, क्योंकि ये सिद्ध मुहूर्त है, कोई मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं है, नमक का ये टोटका कर लीजिए। नमक ले लीजिए और अपने घर के सभी कोनों में, जितने भी कोने बनते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा नमक वाला पानी, यानी नमक को पानी में मिक्स करके थोड़ा थोड़ा नमक वाला पानी वहाँ डालना है। इससे हर तरह की नेगेटिविटी किया कराया समाप्त होगा और आपका भाग्य उदय होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, घर के सभी कोनों में, चाहे नीचे हैं चाहे ऊपर है, नमक वाला पानी डालना है। बस इतना करने से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। फिर से एक बार बता दो, तृतीया अक्षय जो होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्षय तृतीया को बहुत लाभ आपको मिल सकता है, आप बहुत लाभ कमा सकते हैं। ये विशेष दिन होते हैं जब परमात्मा की वाइब्रेशन धरती की ओर आती है और हमें लाभ देती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ब्रिज मोहन सूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 या 6 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इसके लिए हम फीस लेते हैं जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप जन्म पत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है तो फिर इमीडिएटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देख कर ही बताते हैं। परंतु जन्म पत्री देखने में 4 या 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है, यदि उसमें योग है तो समय लगेगा, ये आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि समय लगेगा। आप जानते हैं कि हमारी जन्मपत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, आप ये भी जानते हैं कि हमारी जन्मपत्री में बहुत सारे योग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को कर्जा रहता है, रोगी रहते हैं, क्यों रहते हैं? इन सब का समाधान हमारी जन्मपत्री में होता है। जब हम जन्मपत्री देखकर उपाय ढूंढते हैं और आप लोग उन उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।